ऊपर छींटे पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने मान में रखे। व्यूअर्स, दिन के 2 बजे और मैं बना रही हूँ खाना। साबर को भूख बहुत लग रही है, तो पहले हम जुम्मे के दिन ना बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा लेते होते थे, मतलब बर्गर शवारमा ये वो इस तरह की चीज़ें मंगवाते थे, वो खा लेते थे बच्चे, तो शाम को दोबारा से भूख लग जाती थी। वो मेरा डबल खर्चा हो जाता था। फिर उसके बाद रात को उनको लेज वगैरह मंगवा के देने पड़ते थे, वो मेरा डबल खर्चा हो जाता था। तो आज मैंने सोचा कि अब ये ना जो बर्गर शवारमा है ये ख़त्म किया जाए, क्यों ना हम इसके बदले में घर में खाना बना लिया करें। फ्राइडे के दिन कुछ भी बना लिया करें, लो गैस भी जा रही है, कुछ भी बना लिया करें लेकिन घर में बना लिया करें, तो एटलीस्ट ये इस टाइम भी खा लिया करेंगे और रात को भी खा लिया करेंगे। इसलिए मैंने इस दफ़ा बचत की है, तो मैं आज बना रही हूँ खाना सावर के लिए। नान मैंने मंगवा के रख लिए हैं, वो मैंने ना छुपा के रखे हुए हैं। लो जी गैस चली गई है, वो मैंने छुपा के रखे हुए हैं ताकि वो ठंडे ना हो जाएं। तो साथ में मैं सालन बना रही हूँ, तो मेरा सालन बनेगा। बच्चों को भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैंने कहा अब जी वेट करें आप। और यहाँ पे जी मेरी गैस जो है वो चली जा रही है, इस पे तो खाना नहीं बनेगा। और गर्मी इतनी ज्यादा है, देखे पसीने यूं यूं आ रहे हैं, हद से ज्यादा गर्मी है। और बारिश तो क्या ही होनी है, बस कभी कभी बादल आ जाते हैं और हद से ज्यादा हबस हुआ पड़ा है। पसीने चेक करें जरा, पसीने। और चूल्हा मेरा बंद हो गया, मैं इसको चलाती हूँ दूसरा चूल्हा, वहाँ पे मैं बनाती हूँ खाना। मेरी गैस बंद हो गई है, इसलिए अब हमने यहाँ पे चढ़ा लिया है सालन। तो मैंने प्याज फ्राई करके रख लिया हुआ था, काफ़ी जला हुआ प्याज होता मेरा, इसमें डाले हैं क्योंकि ना कच्चे कच्चे अच्छा लगता है, क्रिस्पी अच्छा लगता है। जी ये मैं हमने डाल लिया प्याज, अब थोड़ी देर इसको करते हैं फ्राई। फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं बाकी मसाला यार। और सावर की फरमाइश थी जी कि मम्मा मुझे ना, सावर की फरमाइश थी कि मुझे ना अगर नान मंगवाए तो सब में हलीम मंगवा के दो। मैंने कहा हलीम मुझे नहीं बनाना आता, ना ही मैं मंगवा के दे सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं घर में खाना बना के दूँगी आपको, भाई बचत करें सेविंग करें। तो वो जब ना 10 मुहर्रम थी ना, तो मेरी फ्रेंड ने ना नान और हलीम तकसीम किए थे, मैंने नान और हलीम की देख बनाई थी, वो ना बच्चों को दिए थे, तो मुझे भी स्पेशल भेजे थे। तो वो उसमें ना 2 दिन नान और हलीम भेजे, 2 दिन इसने खाए। तो अब ये मुझसे डेली फरमाइश करती है कि मुझे ना मम्मा आप नान और हलीम बना के दो। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो हलीम नहीं बन बनाए, मुझे बनाना आता है बनाने को, तो मैं बना लूँ, लेकिन मेरे पास इतनी दालें नहीं है, ना ही मैं बना सकती हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं तो ये सिंपल सिंपल बना दूँगा, कोई बड़ी बात है। तो मुझे अब भी बोले जा रही है मामा मैंने तो हलीम खाना नान के साथ, मैंने कहा भाई छुट्टी करो। ये हमारा ना चिकन फ्राई हो गया, लेकिन इसके चिकन के साथ साथ हम खुद भी फ्राई हो गए हैं। अल्लाह गर्मी इस दफ़ा पता नहीं क्या हो गया, पहले तो सारा कुछ नीचे उठा के रखा, अब सारा कुछ मैं ऊपर रख रही हूँ, तो पता नहीं इस दफ़ा क्या है क्या नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने ना ग्राइंड करके रखा हुआ मसाला, मेरा ख़त्म हो गया था ग्राइंड किया, ये मैंने अभी के अभी किया है ग्राइंड। अब मैं इसमें डालती हूँ मसाला, इसमें गर्म मसाला मैंने डाल लिया, और अब हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ, और मिर्ची मैं कम डालती हूँ, मिर्ची बस 1 स्पून, 1 किलो में 1 स्पून, क्योंकि बच्चे ना मिर्ची कम खाते हैं, मुंह जलने लग जाते हैं। हाय
गर्मी ने मार डाला। चलो व्यूअर्स, हद से ज़्यादा गर्मी है, मैंने सालन बनाया है, मेरा माइक बंद हो गया था, आवाज़ आ नहीं रही थी, बस जैसी भी आवाज़ आई है एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और मौसम देखिए ऐसा है, बादल है और इतनी गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है। और मैं अब देखती हूँ मेरा सालन तैयार हो गया होगा, गैस खत्म हो गई थी इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। अर्रहमानिर्रहीम, ये सालन हमारा बन चुका है, माशाल्लाह दिखाओ, सालन हमने बना लिया है। अब हम डालते हैं जी सालन। सावर के लिए धनिया हमने कभी नहीं खाया क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं धनिया नहीं डालती होती सालन, किसी सालन में भी नहीं डाला कभी। एक तो मक्खियों ने मत मारी हुई है, गर्मी इतनी ज्यादा है, हम मरने वाले हुए पड़े हैं और यहाँ पे मक्खियां जो है वो हम पे मरने का तैयार हैं। तो व्यूअर्स, इतनी ज्यादा गर्मी है, हद से ज्यादा, मेरा तो दिल चाहता है मैं गवर्नमेंट से अपील करूँ कि बराए मेहरबानी ये जो सोलर सिस्टम है ना, इसको किसी ना किसी तरीके से खत्म कर दें, तो या तो हम मर जाएंगे, ये सोलर सिस्टम रह जाएगा बाकी। तो ये हमारे नान थे, कब के मंगवाए हुए हैं, अब पता नहीं इसका क्या हाल हुआ, अगर मैंने लपेट फूट के रखे थे, बेशक पसीना ही आ गया हो। अरे मक्खी उड़ जा, तू कहाँ तंग करने आ गई है, इस बेचारे का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा नान का। तो ये नहीं जी, चीज़ में सारा कुछ, ये नहीं जी, ये हमारा हो गया सारा कुछ तैयार, नान सीधे कर ले। ये ले जी, हम चले हैं खाना खाने, अगर किसी ने खाना खाना है हमारे साथ तो आ जाएं। तो आज मेरा माइक ख़राब है, तो आवाज़ कहीं पे आ रही कहीं पे नहीं आ रही, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।